दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला सिरमौर मंडल श्री रेणुका जी बीडीसी संग्रहा के लिए चेयरमैन पद का चुनाव 5 फरवरी को होगा। इस चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमे के नेतागण अपने पक्ष में बहुमत बनाने के लिए गठजोड़ में लगे हैं। 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत सभी उम्मीदवार अपने घरों को जाने की बजाय अज्ञातवास पर चले गए हैं। भाजपा समर्थित 10 सदस्यों का दल हरिपुर धार में मां भंगाइनी मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने के उपरांत अज्ञातवास पर चले गए। सूत्र बताते हैं कि भाजपा समर्थित 10 सदस्यों का दल चंडीगढ़ के छतबीर जू में देखा गया और उसके पश्चात उत्तराखंड की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित 7 सदस्य सिरमौर जिला में कहीं अज्ञातवास में बताए जा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।